उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक दिल दहला देने वाली घटना हो गई है, जहां मुस्लिम फल विक्रेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मुशर्रफ और आरोपी गजेंद्र के बीच 2000 रुपए का लेन देन था, जिसके कारण दोनों के बीच विवाद हो गया, जिसकी वजह से गजेंद्र ने गोली मारकर हत्या कर दी। ACP अंकुर विहार भास्कर वर्मा ने बताया कि 35 वर्षीय मुशर्रफ लोनी के नाईपुरा क्षेत्र में किराए पर रहते थे। वह दिल्ली में फल बेचते थे। पड़ोस में रहने वाले गजेंद्र उर्फ गज्जू से उसने 2000 रुपए उधार लिए थे। उधार वापस न करने पर गजेंद्र की मुशर्रफ के साथ रविवार देर शाम को मारपीट हो गई। आरोप है कि गजेंद्र उस समय तो चला गया, लेकिन बाद में एक अन्य के साथ पहुंचा और मुशर्रफ को गोली मारकर फरार हो गया। गोली लगने की सूचना पाकर लोनी बॉर्डर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मुशर्रफ को लहूलुहान हालत में अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रविवार देर शाम हत्या की सूचना पर DCP रूरल सुरेंद्र नाथ तिवारी लोनी पहुंचे और मौका मुआयना किया। DCP सुरेंद्र नाथ तिवारी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। मृतक के परिजन हापुड़ में रहते हैं, उन्हें घटना की सूचना दे दी गई है। गोली मुशर्रफ के सीने में लगी है। पूछताछ में पता चला कि हमलावर बाइक पर सवार होकर पहुंचे थे। मुशर्रफ के परिवार में उसकी 2 बेटियां और पत्नी हैं। ACP अंकुर विहार भास्कर वर्मा ने बताया कि मूल रूप से निवासी 35 वर्षीय मुशर्रफ लोनी के नाईपुरा क्षेत्र में किराए पर रहते थे। उन दोनों के बीच रविवार देर शाम को जब विवाद हुआ, इस विवाद के बाद गजेंद्र ने मुशर्रफ को गोली मार दी, जिससे मुशर्रफ की मौत हो गई। पुलिस ने देर रात तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर गजेंद्र की गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं।